नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। स्टेटर में थ्री फेज वाइंडिंग होती है जो कि थ्री फेज की एसी सप्लाई के साथ में जुड़ी होती है, लेकिन इंडक्शन मोटर को शुरू होने में काफी ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है। अगर स्टार्टिंग करंट की तुलना फुल लोड करंट से की जाए तो स्टार्टिंग करंट फुल लोड करंट से 6 से 7 गुना ज्यादा होता है। ज्यादा करंट के कारण मोटर गर्म हो सकती है और वाइंडिंग भी जल सकती है। मोटर को कोई खतरा ना हो या कोई नुकसान ना हो, इसलिए मोटर स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर के कनेक्शन कैसे होते हैं और स्टार डेल्टा स्टार्टर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसके संबंधित पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाते समय इसमें 3 कॉन्टैक्टर, एक ओवरलोड रिले, एक नॉर्मली ओपन पुश बटन, एक नॉर्मली क्लोज पुश बटन और एक टाइमर का इस्तेमाल किया जाता है। टाइमर का इस्तेमाल स्टार कॉन्टैक्टर को बंद करने और थोड़े समय के बाद में डेल्टा कॉन्टैक्टर को शुरू करने के लिए किया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में 2 प्रकार की वायरिंग होती है। जैसे कि हमने बताया, स्टार डेल्टा स्टार्टर में 2 प्रकार की वायरिंग होती है, जिसमें सबसे पहले होती है पावर वायरिंग जो कि मोटर के साथ में जोड़ी होती है, जहां पर स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है। उस मोटर में आपको 6 टर्मिनल दिखने को मिलेंगे और इनके कनेक्शन आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर से आए 6 तारों के साथ में करना पड़ेगा। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर डायग्राम। यहां पर मेन कॉन्टैक्टर की तार सीधे मोटर के साथ में जोड़े होते हैं और आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको मेन कॉन्टैक्टर की तार को मोटर पर U1, V1, W1 या A1, B1, C1 सीरीज के हिसाब से ही जोड़ना है। अगर आप U1 पर नीला तार जोड़ते हो तो U2 पर आपको लाल तार जोड़नी पड़ेगी, और अगर आप V1 पर पीला तार जोड़ते हैं तो V2 पर आपको नीली तार जोड़नी पड़ेगी। अगर आप W1 पर लाल तार जोड़ते हैं तो W2 पर आपको पीली तार जोड़नी पड़ेगी। इसमें आपको सिर्फ कॉन्टैक्टर पर वायरिंग करते समय यह बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप कॉन्टैक्टर पर एक तरफ लाल, पीला, नीला तार लगाते हैं तो उसी क्रमबद्ध दूसरी तरफ आपको लाल, पीला और नीला तार लगाना है, और स्टार कॉन्टैक्टर के दूसरी तरफ आपको लूपिंग करके तीनों फेजों को आपस में जोड़ देना है। डेल्टा और स्टार कॉन्टैक्टर से आने वाली तार को आपको मोटर पर V2, W2, U2 को ध्यान में रखते हुए जोड़ना है, नहीं तो आपकी मोटर को नुकसान हो सकता है। तो जैसे डायग्राम में कनेक्शन दिया है, इसे ध्यान से देखिए और उसी प्रकार आप मोटर के कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर में कंट्रोलिंग वायरिंग करना बहुत ही आसान है। बहुत से लोगों को यह आसानी से समझ में नहीं आती क्योंकि इसके अंदर हमें डेल्टा कॉन्टैक्टर की स्टार कॉन्टैक्टर से इंटरलॉकिंग करवानी पड़ती है और स्टार कॉन्टैक्टर की डेल्टा कॉन्टैक्टर से इंटरलॉकिंग करवानी पड़ती है ताकि एक समय पर इन दोनों में सिर्फ एक ही कॉन्टैक्टर ऑन रहे
और दूसरा कॉन्टैक्टर ऑफ रहे। अब हम देखते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए कुछ इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी जिसे आप स्टार डेल्टा स्टार्टर बना पाएंगे। तो इसकी सूची यहां पर दिया है। तो एनसी पुश बटन, एनओ पुश बटन, ओवरलोड रिले, तीन कॉन्टैक्टर और एक टाइमर, इस तरह के इक्विपमेंट लेकर आप स्टार डेल्टा स्टार्टर का कनेक्शन कर सकते हैं। इसका कंट्रोलिंग डायग्राम बहुत ही आसान है जो कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको यहां पर कुछ पॉइंट को समझने की जरूरत है। यहां पर दिए गए डायग्राम में आपको एनओ और एनसी लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो सबसे पहले आपको यह पॉइंट समझ लेना चाहिए। एनसी पुश बटन और एनओ पुश बटन, एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज्ड। तो अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ मिले एनसी, तो इसका मतलब है वहां पर जो भी कनेक्शन है वह जुड़ा हुआ है। यहां पर आपको एनसी पुश बटन दिया गया है, तो इसका मतलब यह बटन बिना दबाए ही सर्किट को ऑन कर सकता है। लेकिन एनसी पुश बटन के बाद में एनओ पुश बटन है, तो एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। इसका मतलब जहां पर भी आपको एनओ लिखा हुआ दिखे वहां पर कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है। अब हम देखते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे काम करता है। सबसे पहले एनओ पुश या स्टार्ट बटन को दबाते ही सप्लाई मेन कॉन्टैक्टर और टाइमर में आ जाएगी और टाइमर के एनसी पॉइंट से स्टार कॉन्टैक्टर जुड़ा होता है। तो एनओ पुश बटन दबाते ही मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएंगे और उसके कुछ सेकंड बाद जितना टाइम हमने टाइमर में भरा होगा, इतने समय के बाद टाइमर के एनसी टर्मिनल की सप्लाई बंद हो जाएगी, जिससे कि हमारा स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा और टाइमर के एनओ टर्मिनल पर सप्लाई शुरू हो जाएगी, जिससे कि हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर शुरू हो जाएगा। इस प्रकार स्टार डेल्टा स्टार्टर में चेंज ओवर होता रहेगा। और जब आप एनसी पुश बटन दबाएंगे या स्टॉप बटन को दबाएंगे तो पूरे सर्किट की सप्लाई बंद हो जाएगी और मोटर बंद हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार स्टार डेल्टा स्टार्टर कार्य करता है। इस वीडियो में आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी गई है। अगर इसके अलावा आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं, इसे दूसरे ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप सबका धन्यवाद।